नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा के 4 खिलाड़ियों ने मोटर स्पोर्ट्स की नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में सिद्धि हासिल की है, जिसके चलते इन खिलाड़ियों की सिद्धि के बारे में जानकारी देने के लिए आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। वडोदरा की फॉर्मूला रेसर मीरा एडा ने जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप LGBF की चौथी कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया है, तो वहीं आशीष पटेल ने मलेशियन सुपरबाइक चैंपियनशिप 2022 में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा श्रीली मिस्त्री ने MECO FM STI नेशनल रोटेक्स मैक्स कार्टिंग चैंपियनशिप 2021 के फाइनल राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया, तो वहीं 8 साल के युग जैन ने MECO FM STI नेशनल रोटेक्स मैक्स कार्टिंग चैंपियनशिप 2022 के 5वें राउंड में तीसरी पोजीशन हासिल की। इस तरीके से इन 4 खिलाड़ियों ने ये सिद्धियां हासिल कर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है, जिसके चलते इन खिलाड़ियों की पत्रकार परिषद का आयोजन आज हुआ था। आखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जेम हतो के मोटर स्पोर्ट्स ना एथलीट्स छे, स्पेशली वडोदरा माथी छे, ए लोगों ने अमे एमनी जे अचीवमेंट्स छे हाईलाइट करी सके। हुं पोते ज आ वखते लास्ट वीकेंड अमारी जे रेस हती नेशनल लेवल पर नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप जेकेटायरनी, एमां हुं 3rd आवी LGB कैटेगरी में, एंड आई वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडिया में जेने आ पोडियम फिनिश कर्यू छे। मारा साथे जे बीजा बे छोकराओ छे नाना, ए लोकोए आ वर्षे युग जैन जे छे एने 3rd पोजिशन अचीव कर्यु हतुं, एंड युग जैन जे छे एने 3rd पोजिशन अचीव कर्यु हतुं, एंड श्रीली मिस्त्री छे जेने पण 3rd पोजिशन एना कैटेगरी में अचीव कर्यु छे। सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नेशनल लेवल पर एक अचीवमेंट मळ्यु छे। एंड आशीष पटेल जे छे मोटरसाइकल रेसिंग में सुपर बाइक चैम्पियनशिप हती मलेशिया में, जे सेकेंड मोस्ट कम्पेरेटिव कैटेगरी छे आखा वर्ल्ड एशिया में, एमा ए 3rd लाव्या फूल ओवरऑल चैम्पियनशिप टाइटल, एंड ऑल्सो जे कॉन्टिनेंटल GT कप छे रॉयल एनफील्ड GT कप एमा पण एमने लास्ट वीकेंड 3rd લઈને આવ્યા છે। સો એ આખું ગુજરાત માટે એક બહુ પ્રાઇડની મુમેન્ટ છે કે 3 બધા જ એથ્લીટ્સ મોટર સ્પોર્ટ્સમાંથી અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં એ લોકો પોડિયમ ફિનિશ કર્યું છે, એન્ડ અમે હજી એમ કરીએ છીએ કે હજી એ લોકોને કેવી રીતે આગળ વધારીને બીજા લોકોને એન્કરેજ કરી શકીએ ટુ એન્ટર ઇન ટુ ધ સ્પોર્ટ અને એમનું ડ્રીમ ફોલો કરી શકે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।